नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भारी सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज जो है पूर्व क्रिकेटर और मोयना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पे अज्ञात लोगों ने हमला किया। पूर्वी मिदनापुर के मोयना में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया, जिसके बारे में उन्होंने खुद जो है वीडियो शेयर करके बताया है और उनके कंधे में गंभीर चोट आई है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। देखिए पहले वीडियो। ইন্ডিয়া কে রিপ্রেজেন্ট করেছে অশোক ডিন্ডা, তার এইভাবে গাড়ি ভাঙা, তার উপর হামলা, না কাউকে আজ পর্যন্ত কোনো বাজে মন্তব্য করলো, না কোনো গালাগাল দিলো, না টিএমসি ব্যাপারে কোনো কথা বললো, শুধু উন্নয়ন নিয়ে কথা বলে গেছে যে ময়নাতে কি হচ্ছে। আমার চারটের সময় সবার আমার প্রচার শেষ হওয়ার সময় ছিল। इंडिया के मैनेजर के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता करीब 4:30 बजे रोड शो से लौट रहे थे, तभी सैकड़ों गुंडों ने लाठी और डंडो रॉड से उन पर हमला बोल दिया, गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे डिंडा के कंधे में चोट लगी है। घटना मोयना बाजार के सामने हुई जब रोड शो से लौट रहे थे। लाठी डंडे रॉड से हमला जिस समय किया गया था, बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बीच वाली सीट पर डिंडा बैठे हुए थे, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, जिसकी वजह से एक पत्थर शीशा तोड़ते हुए अंदर आया और वो बाल बाल बच गए। घटना के बाद डिंडा के कंधे में बहुत दर्द है। उधर दूसरी तरफ जो है टीएमसी कह रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ये उसकी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। वहाँ के टीएमसी के जिला अध्यक्ष है अखिल गिरी, उनके मुताबिक बीजेपी के पुराने नेता डिंडा को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन पे हमला किया। इस घटना से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है पूर्वी मिदनापुर का, जहाँ पे कि एक दिन पहले ही नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पे भी हमला किया गया था और उनके भाई जो है बाल बाल बचे थे। वैसे भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ बहुत सामान्य सी बात है। केंद्रीय बलों की इतनी बड़ी तैनाती है, इसके बावजूद रोज़ वहाँ से हिंसा की खबरें आ रही है। और दूसरे चरण का चुनाव वहाँ पर 1 अप्रैल को है, जिसमें कि नंदीग्राम भी शामिल है, इसलिए वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म है। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।